व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, जब लोग या व्यक्ति सामान या सर्विसेज एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती हैं तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सिल्क रूट्स क्या हैं, सिल्क रूट्स जो हैं एशिया में और यूरोप के कंट्रीज से जोड़ने वाले, एशिया और यूरोप के कंट्रीज़ को नॉर्दर्न अफ्रीका को जोड़ने वाले ऐसे रूट्स हैं जो क्रिश्चियन एरा से हमारे यहाँ विद्यमान हैं और 15वीं शताब्दी में ये आ गए थे। ये जो रूट्स हैं इनसे सिल्क का व्यापार किया जाता था। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड सैंक ग्रेटली इन द 16th century. Why? Because European sailors found a sea route of Asia and successfully crossed the western ocean of America. यानि कि हमारा संसार जो है 16वीं शताब्दी में सिकुड़कर छोटा क्यों रह गया था, कम छोटा क्यों हो गया था, क्योंकि sea route जो समुद्री रास्ता है वो खोज लिया गया था। तो इसलिए दूसरा पुर्तगाल और स्पेन जो था कंक्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज डिसिसिवली अंडर वे बाय द मिड 16th सेंचुरी, दोनों का कॉलोनाइजेशन हो गया था यानी तालमेल हो गया था, किसका, पुर्तगाल का और स्पेन का, मध्य 16वीं शताब्दी के अंतर्गत, जिससे हमारा संसार सिकुड़कर छोटा हो गया था यानी कि व्यापार वगैरह बढ़ने लगे थे। अमेरिका की खोज किसने की थी, अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। नेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फूड आइटम्स विच ट्रेवल्ड फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू इंडिया, बाहर से आने वाले जो सामान थे वो थे पोटैटो, सोया, मूंगफली, मेज मक्का, टमाटो। सबसे पावरफुल वेपन क्या था स्पेनिश कंकरर्स का, जम्स थे जो स्मॉल पॉक्स फैलाते थे, ये उन्होंने हथियार के रूप में यूज़ किए थे ताकि लोग बीमार हो जाएं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ जम्स ऑन द अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, अमेरिका के जो मूल निवासी लोग थे हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़, उनका बीमारियों के प्रति कोई इम्यूनिटी नहीं थी यानी बचाव की शक्ति नहीं थी, सो इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटी, तो इन कीटाणुओं से जीवाणुओं से सारी सोसाइटी का नाश हो गया था। Which two countries were among the world's richest until the 18th century? China और India जो थे वो सबसे अमीर देशों की गिनती में आते थे 18वीं शताब्दी में। But changed the world profoundly in the 19th century. 19th century में जो है हमारा इकोनॉमिक यानी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो थे वो सारी चीज़ें उन्होंने नया रूप ले लिया था, सब बदलने लगी थी। मेंशन एनी टू फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज ऑफ फूड ग्रेन्स, 18वीं शताब्दी में फूड ग्रेन्स का मूल्य बढ़ने लग गया था, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी और डिमांड बढ़ने लगी थी, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, और वहाँ पर आयात पर रोक लगा रखी थी, जब किसी वस्तु के आयात पर कोई देश रोक लगा देता है तो अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी प्राइसेस भी बढ़ने लग जाती हैं, प्राइस राइज होने लग जाता है। कॉर्न लॉ क्या था, कॉर्न लॉ जो था द लॉ अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न वर पॉपुलर नोन एज कॉर्न, कॉर्न जो था कॉर्न को रोकने के लिए, इम्पोर्ट रोकने के लिए कॉर्न का एक नियम बना दिया गया था जिसे कॉर्न लॉज कहते हैं। अनहैप्पी विद हाई फूड प्राइसेस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन ड्वेलर्स फोर्स्ड द एबोल्यूशन ऑफ द कॉर्न लॉज, क्योंकि इम्पोर्ट नहीं हो रहा था कॉर्न का इसलिए प्राइसेस और बढ़ गए थे, इससे लोग खुश नहीं थे, शहर में रहने वाले लोग खुश नहीं थे और उन्होंने इस कॉर्न के लो का त्याग कर दिया यानी विरोध किया। नेम द कंट्रीज विच वर एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन्स टू ब्रिटेन, फूड ग्रेन्स जो है ब्रिटेन को भेजते थे रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब में
कौन से स्टेप्स का यूज़ किया वेस्ट पंजाब में कि जिससे हमारी कृषि इम्प्रूव हो जाए। ए नेटवर्क ऑफ इरीगेशन कैनाल्स, कैनाल्स बनवाई थी, और कैनाल कॉलोनीज वर सेटल्ड बाई पीजेंट्स, वहाँ पर किसानों को बसाया था भिन्न भिन्न भागों में पंजाब के, जिससे कि कृषि का विकास हो सके। ये वहाँ पर पंजाब में जो है ब्रिटिश सरकार का विशेष योगदान इसमें था। व्हाट वर द फैक्टर्स विच ट्रांसफॉर्म 19th सेंचुरी का वर्ड जो था उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए थे? तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन था रेलवे स्टीमशिप एंड द टेलीग्राफ, कि रेलवेज का जो निर्माण हुआ था वो, और टेलीग्राफ ने उस समय के संसार को बदल कर रख दिया था। व्हाट वर द कैनाल कॉलोनीज, कैनाल कॉलोनीज क्या थी और ये कब बनाई गई थी? द सेमी वेस्ट एरियाज ऑफ पंजाब आफ्टर बीइंग इरीगेटेड बाई न्यू कैनाल बिगेन टू बी कॉल्ड कैनाल कॉलोनीज। जब सिंचाई होने लगी नहरों के किनारे, जब सिंचाई होने लगी तो वहाँ पर लोग जा कर के बसने लगे। ये कैनाल कॉलोनीज थी, इन्हें गेहूँ और कपास उगाने के लिए बनाया गया था जिससे कि उनका एक्सपोर्ट किया जाए, और ये ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी। टिल द 1870s मीट वॉज एन एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रीच ऑफ द यूरोपियन पुअर गिव रीजन। 1870 का जो समय था उसमें जो है मांस जो था वो बहुत ही लग्जरी सामानों की गिनती में माना जाता था, और यूरोपियन जो गरीब लोग थे उनकी पहुंच से दूर था ये। इसके कारण पूछे हैं, कारण ये थे कि उन 1870 में वर्शिप लाइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप, एनिमल्स जो थे वो अमेरिका से यूरोप लाए जाते थे, फिर उनको मारा जाता था। लाइव एनिमल टुक अ पेलोड ऑफ शिप स्पेस, वो बड़ा जहाज में बहुत सारा स्थान घेर लेते थे, तो इसमें से बहुत सारे लोग यात्रा में मर जाते थे, यानी जानवर बीमार हो जाते थे, उनका वजन कम हो जाता था और बिकम अनफिट टू ईट, इसलिए वो खाने के लिए अनफिट हो जाते थे। और इस तब अब जब कोई चीज़ ऐसे ले जाई जाती है तो वो बहुत महंगी हो जाती है। वाई मोस्ट ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज रन स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज आर स्ट्रेट बिकॉज अफ्रीका वाज डिवाइडेड ऑन पेपर इन कॉन्फ्रेंस हॉल इन यूरोप। यूरोप में जो है अफ्रीकन कंट्रीज का दो भागों में विभाजन कर दिया गया था। नेम द डिजीज विच हैड टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लेवलीहुड एंड लोकल इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में 1890 में कौन सी बीमारी फैली थी? वो थी कैटल प्लेग एंड इंडर पेस्ट। बिफोर द अराइवल ऑफ आउटसाइडर्स मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन्स हैड ए लिटिल रीजन टू वर्क फॉर अ वेज। बिफोर द अराइवल ऑफ, जब तक मैं अफ्रीका में बाहर के लोग नहीं आए थे और वहाँ पर बहुत सारी भूमि खाली पड़ी रहती थी और लोग कम थे, यानी पॉपुलेशन कम थी, वहाँ पर कृषि और पशुपालन का काम चलता था। लोगों का मेन काम जो था कृषि और पशुपालन था। ज़्यादातर गांव के लोग खुद के ऊपर निर्भर थे। अफ्रीका में देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स दैट वेजेस कुड बाय, बहुत कम ऐसी चीज़ थी जो लोग खरीद सकते थे। वाई वर यूरोपियन अट्रैक्टेड टू अफ्रीका इन द लेट 19th सेंचुरी? ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स। हाउ रिंडरपेस्ट अराइव इन अफ्रीका इन द लेट 1880s? रिंडरपेस्ट एक बीमारी है जो 1880 में फैली थी, और ये इट वॉज कैरिड बाई इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया। वहाँ से कोई पशु ले आए थे जिन पर इन्फेक्शन हुआ हुआ था, इटालियन सोल्जर्स ने जो है खा लिया था इससे सारी बीमारियाँ फैल गई थी। हु वाज इंडेंचर्ड लेबर, ए बाउंडेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए स्पेसिफाइक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू ए न्यू कंट्री और होम। जब किसी लेबर को बाउंड कर दिया जाता है किसी पीरियड पर तक काम करने के लिए, तो उसे इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। नेम एनी फोर रीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम वेयर इंडेंचर्ड वर्कर्स केम। उत्तर प्रदेश से आए थे, तमिलनाडु से, बिहार से और सेंट्रल इंडिया से लोग आए थे। व्हाट वर द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स? ये थे कैरेबियन आइलैंड्स, मॉरिशियस एंड फिजी।
व्हाट आर द मीनिंग ऑफ कल्चरल फ्यूज़न. कल्चरल फ्यूज़न क्या होता है? कल्चरल फ्यूज़न इज़ ए प्रोसेस अंडर विच टू और मोर देन टू कल्चर्स इंटर. जब दो से अधिक संस्कृति मिल जाती हैं तो एक नई संस्कृति का निर्माण होता है. उनमें से एक है होसे और दूसरा है चटनी. हाउ आर द इंडेंजर्ड वर्कर्स एक्सप्लॉइटेड बाय द रिक्रूटिंग एजेंट्स. किस तरह से उनका शोषण किया जाता था? इंडेंजर्ड वर्कर्स जो थे उनका शोषण कैसे किया जाता था? दे प्रोवाइडेड दैम फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनल डेस्टिनेशन. उनको गलत सूचना दी जाती थी कि उन्हें कहाँ रहना है, कैसे यात्रा करनी है, उनका काम कैसा होगा, रहेंगे कैसे, उनकी काम की स्थितियाँ कैसी होंगी. तो इस प्रकार से उन्हें कम मजदूरी भी दी जाती थी. ये बंधुआ मजदूर टाइप के लोग जो होते थे उनके साथ ये सब प्रॉब्लम्स आती थी. होसे क्या है? होसे का इम्पोर्टेंस क्या है? ट्रिनिदाद में एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन वाज ट्रांसफर्ड इन ए राइटर्स कार्निवल कॉल्ड होसे. इट वाज वन ऑफ द वे टू प्रिजर्व द कल्चर बाय इंडेंजर्ड लेबर्स. ट्रिनिदाद में एक एनुअल मुहर्रम होता है, इसका जुलूस निकाला जाता है, इसे होसे कहते हैं. वेन एंड वाई वाज इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन एबोलिश्ड. इट वाज एबोलिश्ड इन 1921 एज इट वाज अपोज्ड बाय इंडियन लीडर्स. भारत के नेताओं ने इसका विरोध किया था और इसे समाप्त कर दिया गया था इंडेंजर्ड लेबर्स को.